वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद की आयुक्त व सचिव मनीषा त्रिघाटिया ने स्वामित्व योजना की समीक्षा की। गोरखपुर के NIC सभागार में आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में मुख्य राजस्व अधिकारी सुशील कुमार गौड़, राजस्व निरीक्षक राजेश कुमार भारतीय सहित संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में राजस्व परिषद की अध्यक्ष मनीषा त्रिघाटिया ने स्वामित्व योजना के तहत ड्रोन कैमरे से ग्रामीण क्षेत्रों में बनने वाले डिजिटल घरौनी के कार्यों की समीक्षा की तथा कहा कि डिजिटल घरौनी बनाने के कार्यों में तेजी लाएं, जिससे सभी लोगों को उनकी भूमि का स्वामित्व प्राप्त हो सके। मैक्सिमम करवाइए, पर आपकी तरफ से जितना वो लैंड लॉग अपलोडेड होने चाहिए वो जरूर देख लीजिएगा कि लैंड लॉग में कोई अपलोडेड पेंडिंग ना हो। जी मैम, सर ऑफिसर से ये भी रिक्वेस्ट करूंगी कि आप खुद जाके देखिए वहां पे चूना मार्किंग हो रही है कि बस। बहुत बार ये भी हमें कंप्लेन आ रही है सर्वे ऑफ इंडिया से, वो ये कह रहे हैं कि हम ड्रोन फ्लाइंग करते हैं पर पूरा चूना मार्किंग जो है पूरी नहीं है। चलो बहुत बढ़िया, अगर आप कह रहे हैं तो मान लेते हैं, पर जाके जरूर देखिएगा। नेक्स्ट आपको फिर सबको यही रिमाइंड करना था कि अगर आपको फॉल्टी मार्क्स मिलते हैं तो काइंडली प्लीज राइट टू सर्वे ऑफ इंडिया एंड सेंड अस, हमारे को भी कॉपी करिए उस चिट्ठी की, सो दैट हम सर्वे ऑफ इंडिया के साथ टेकअप कर सकते हैं कि आपके यहाँ ठीक से काम नहीं हो रहा है। ये प्रॉब्लम थोड़ा वेस्ट यूपी में ज़्यादा आ रही है, सो प्लीज इंश्योर के साथ साथ हमें भी ये सूचना मिलती रहे। अच्छा, एक सारे डिस्ट्रिक्ट के लिए रिक्वेस्ट ये है कि कई बार ये भी हमारे को पता चला है कि केवल राजस्व विभाग वाले लेखपाल पे ही सारा काम आ जा रहा है, तो लेखपाल को दिक्कत हो रही है। तो जहाँ जहाँ मैं ये बताना चाह रही हूँ कि जहाँ जहाँ पे भी अच्छा काम हुआ है, बुंदेलखंड एक्सेट्रा, जहाँ अच्छा काम हुआ है वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ADM ने इंटरेस्ट लेके लेखपाल की टीम को बढ़ाया। आप लोग निर्देशित अपने लोकल लेवल पे करेंगे, अब आप ये भी कह सकते हैं कि उनकी टीम के साथ जो अमीन है उनको लगा दें, चकबंदी वाले हैं कोई तो उनको लगा दें, पंचायती राज विभाग वाले हैं उनको लगा दीजिए, ऐसे करके टीम्स बनवाइए ताकि आपके जो लेखपाल हैं उनका भी काम जल्द से जल्द हो और आसानी से हो, उनका भी बनवाएं। सो प्लीज इंश्योर कि आप ये जो चार मैंने चकबंदी, अमीन और पंचायती राज बताया है उनको लेखपाल के साथ लगवा लेंगे तो आपका काम आसान होगा और जल्द से जल्द हो पाएगा। ये सारा मैन पावर आपके पास अवेलेबल है, आपने केवल रिसोर्सेज हमने डिप्लॉय करने हैं उनके साथ। पंचायती राज विभाग वाले मैंने सुना है कोऑपरेट नहीं कर रहे, आप लोग लोकली डायरेक्ट करेंगे तो ही वो साथ में अपना वो लेखपाल को हेल्प करें। अगर आप लोग इसको नहीं करते इंश्योर तो फिर वो लेखपाल अकेला पड़ जाता है। तो प्लीज इंश्योर कि लेखपाल को भी पूरी हेल्प मिले, वहाँ लोकली हेल्प मिले और वो काम जल्द से जल्द मैक्सिमम गाँव का जो चूना रेडी करना होता है वो सारा करवा सके। वास्तविक जहाँ पर उनका अधिकार है वहाँ पर चूना मार्किंग होनी चाहिए, जिससे की डिस्प्यूट ना बढ़े। की जो चूना मार्किंग के लिए धनराशि यहाँ से आवंटित की गई है IXC जो है कार्यों के लिए, तो उसमें जो है धनराशि के लिए सभी जिलों में स्वामित्व योजना और जनपद का नाम से खाता खोला जाना है, उस खाते में धनराशि जाए यहाँ से भेजी जाएगी और उस खाते से ही वो आरित करके चूना मार्किंग या और प्रचार प्रसार जो भी करना उसके लिए प्रयोग है उसका प्रयोजन है तो उसी के लिए वो निर्धारित की गई। तो अपने जनपद में स्वामित्व योजना जनपद का नाम के नाम से खाता खोलें और उसमें धनराशि वहाँ से आरित करें। आप
ये थोड़ा सीनियर लेवल ऑफिसर हो वो ही ऑपरेट करें इसको, एटलीस्ट एडीएम लेवल होना चाहिए। किसी और डिस्ट्रिक्ट को कोई और पॉइंट हाईलाइट करना है? टीम लखनऊ से अगर आप जुड़वा देंगे तो हमारा समय भी बच जाएगा और हमारे काम में तेजी आ जाएगी। जी जरूर हो जाएगा। थैंक यू मैम।